अलीगढ़ के टप्पल कस्बा में मासूम बच्चे की हत्या से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल अब सामान्य होता जा रहा है और बाजार भी खुल गए हैं, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं लौटी है। उधर बच्चे की मौत के 12वें दिन बुधवार को पीड़ित परिवार में शुद्धि यज्ञ हुआ, जिसमें सांसद, विधायक, राज्य महिला आयोग की सदस्य व पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। कस्बे में पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। कस्बा में मासूम बच्ची 30 मई को लापता हुई थी और 2 जून को उसका शव मिला था। उसके बाद से ही कस्बे का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था तथा सोशल मीडिया पर देश का मुद्दा बना और संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगने लगा। प्रदर्शन भी हुए। अभी पूरी तरह से बाजारों में रौनक नहीं लौटी है। कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात है। कस्बा टप्पल में बच्ची की मौत के 12वें दिन बुधवार को शोक संतृप्त घर में शुद्ध यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें अलीगढ़ सांसद, विधायक अनु प्रधान, राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी, SP देहात मणिलाल पाटीदार, CEO खैर संजीव दीक्षित आदि पुलिस अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बच्ची के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही हवन यज्ञ में सामग्री की आहुति दी गई। विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार की जो मांग है, जैसे कि हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा हो ताकि दरिंदों को सबक मिले और जीवन में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो, पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, इसको पूरा करूंगा। जिस बिटिया के साथ गिलोना कृत किया गया था, आज बारे में जो परिवार की मांग थी, 3-4 मांग, फास्ट कोर्ट में केस चले, ऐसे दरिंदे करने वाले, जीवन में दोबारा ऐसी घटना न हो सके किसी बिटिया के साथ, इसकी परिवार को सुरक्षा की और दोषियों को फांसी की, ये परिवार की मांग थी। परिवार ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो आगे किसी बेटी के साथ ऐसा दुख न हो। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इंसान हो, तरह तरह की बात मीडिया करती रही, लोग अलग अलग बयान देते रहे कि परिवार इस तरह से हट बनाए हुए है, ये कर रहा है। उनका केवल लक्ष्य था कि जिस एक नैतिकता को परे छोड़कर एक दरंदी थे, जिस बिटिया का, 2.5 साल की बिटिया का अंग अंग अलग कर दिया हो, ऐसा जन्म ले लेने वाली लाडली बेटी के साथ जीवन में कोई दरंदा कर न पाए, उसके लिए जो दोषी हैं उन्हें फांसी मिले और फास्ट कोर्ट में केस चले, जिससे कि जल्दी से जल्दी देश को एक मैसेज जा सके कि ऐसे कृत करने वाले लोगों को फांसी दी जाती है और एक उदाहरण बने, मेरी बेटी है ये। मुख्यमंत्री से आप मुलाकात कराने जा रहे थे? देखिए, ये मेरे परिवार का मामला है, मैं परिवार में बैठूंगा, परिवार के हिसाब से मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ। एक तरफ मेरे बड़े भाई खड़े हैं, ये खड़ा है, बनवारी खड़ा है, सब परिवार के लोग खड़े हैं। जो मुख्यमंत्री जी, मैं कोई अलग नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं करता हूँ, वो इन्हीं की बदौलत में सांसद। बच्ची की माँ की मांग है कि कम से कम एक बार योगी जी अगर आके देखते तो उनको और अच्छा लगता। देखिए, बच्ची की माँ मेरे छोटे भाई की मिसेज है, परिवार है, उसकी पीड़ा वास्तविक है। जो माँ 9 महीने कोख में रखकर जिस बच्चे को जन्म देती है, उसकी पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा होती है कि मेरी बेटी के ऐसा गिलौना कृत हुआ है, तो हर इंसान उसमें एक भागीदार बने और ऐसी घटना ना हो। उस बेचारी की यही मांग रही है, उसका ये नहीं रहा कि महाराज जी हमें और वो दिखावा नहीं चाहती बेचारी, वो ये चाहती है कि जीवन में और किसी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा माँ को होती है, 9 महीने कोख में रखकर जन्म देती है, इतनी पिता को नहीं होती जितनी माँ को होती है, उसकी वो पीड़ा थी, उसकी एक भावना थी। जो स्लाइड रिपोर्ट जो आगरा से आनी थी, क्या उसके बारे में अपडेट दी गई? 5-6 दिन के अंदर फॉरेस्टिक रिपोर्ट जो आनी है, जो भेजी गई आगरा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर पर्चे कटेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। ट्विंकल शर्मा, उनकी बिटिया थी, आज उसका 12वां दिन है, परिवार के अंदर अलीगढ़ का हवन था, उसमें हम भी आए थे, तो उसी के
उपलब्ध हो, जो उनकी मांगे तीन चार मांगे थी लगातार, और सांसद जी और प्रशासन यहाँ लगातार सजरा जो उनकी मांगे, एक तो उनकी मांग ये थी कि हमारा जो केस है वो फास्ट्रैक में चले, फास्टकोर्ट में चले, दूसरा इनके परिवार की सुरक्षा थी, तीसरा जो अपराधी उन्हें कम से कम फांसी की सजा हो। तो वो जितनी भी मांगे लगभग प्रशासन द्वारा मानी गई, हमने भी पूरा आश्वासन दिया है कि निश्चित जो परिवार की मांगे हम भी उसके साथ हैं और निश्चित उस गुड़िया को न्याय दिलाने का हम काम करें। आप योगी जी से मुलाकात कराना चाहते जी? मेरी परिवार से लगातार बात थी, परिवार की अपनी मंशा नहीं थी, मैं आया था, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी बात थी, उन्होंने समय दिया, तो परिवार का ये कहना था कि अभी 12 दिन नहीं हुए तो हम अभी नहीं जा पाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे तो अभी भी मेरी परिवार की बात होगी, तो ये कैसे बात है? अगर आपकी इच्छा अपनी है तो मान्य मूल्य हमारे प्रदेश के ये सबसे मुख्यमंत्री, मैं उनसे मिलवाऊंगा। आपको लगता है योगी जी यहाँ आए परिवार के जो जो मांग हो रही है मांग देखिए, आपने बात रखेंगे परिवार की? नहीं, हम बिल्कुल परिवार की मांग रखेंगे और मेरी इच्छा है, मैं परिवार से अभी भी मेरी बात हुई कि आप परिवार के 5 लोग 7 लोग चल लो हमारे और सांसद जी के साथ चलें और जो भी मांगे उन पर मनवाई जाए, मुख्यमंत्री से मिलाने का काम। सुरक्षा के लिए सांसद जी मैंने भी कहा है और आला अधिकारियों को कप्तान साहब वगैरह को सबको कह दिया गया कि यहाँ एक चौकी दल से है और एक यहाँ बाजार लगता था, उसके लिए भी जो है तत्काल मना कर दिया, बाजार यहाँ लगे जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कार्रवाई चल रही है सही ट्रैक पे, उस दिन का इंतजार है सिर्फ कि ये फांसी हो, फांसी हो और जल्दी से जल्दी हो, ऐसा कोर्ट बने जो कि जल्दी से जल्दी फांसी हो, उस दिन का इंतजार। सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से अब कानून व्यवस्था की बात करें, धारा 144 क्या अभी जारी रहेगी या खत्म किया जाएगा? ये थाना टप्पल क्षेत्र में आज पूरी दिन शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, जो विवेचन कार्रवाई वो पुलिस द्वारा की जा रही है और जो धारा 144 जो पहले से चलती आ रही है वो अपने समय अनुसार खत्म हो जाएगी और पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी यथावत है, आगे की संवेदनशीलता देखते हुए बताया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था जिस हिसाब से टोलियां यहाँ पे मौजूद है, क्या वो मौजूद रहेंगी या अभी उनका कुछ उसके हिसाब से देखा जाएगा किस तरह का माहौल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।